देवदासी देवता की जीवित पत्नी। अपने देवता को गीत नृत्य से प्रसन्न करना धर्म है मेरा। सुंदर, अति सुंदर, तुम्हारा नृत्य ऐसा लगता है कि मानो आसमां से अप्सरा धरती पे उतर आई हो। तुम भी तो बांसुरी ऐसा बजाते हो कि अप्सराओं का मन भी नृत्य करने को व्याकुल हो जाए। अरे मैं तो तुम्हारे समक्ष कुछ भी नहीं हूं, और हाँ, मैंने तुम्हें एक प्रस्ताव दिया था, क्या तुमने उस पर विचार किया? जो संभव ना हो उस पर विचार करना व्यर्थ है। समय नष्ट ना करो, एक संपन्न और सुखी जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ। कहाँ जाऊँ? मेरा जीवन, मेरा मरण सब यही है तुम्हारे साथ। देखो, मैं देवदासी हूँ, देवता ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारा जीवन, हमारा मरण, हमारा पूर्ण समर्पण देवता के लिए होता है, यही हमारी नियति है। मैं नहीं मानता ये सब। अनर्थ, घोर अनर्थ, पृथ्वी का विनाश अब निश्चित है। रेमोर्क, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, निकल जा तू यहां से, अन्यथा मेरे कोप से बच नहीं सकेगा तू। परंतु महाराज। चले जाओ, भगवान के लिए चले जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, चले जाओ। और तू सुन ले, कल ही देवता के साथ तुझे बंधन में बांध दिया जाएगा, कल ही। जो आज्ञा महाराज। देवता की संपत्ति है, इसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, तो फिर आप कैसे इसे स्पर्श कर रहे हैं? अरे मूर्ख, तू स्वयं की तुलना मुझसे कर रहा है। मैं साधारण मानव नहीं हूं, मैं देवता का प्रतिनिधि हूं। देवता पर अर्पित की गई हर वस्तु पर मेरा अधिकार है। मेरा, तूने देवता के कार में विघ्न उत्पन्न किया, देवता के प्रतिनिधि पर प्रश्न चिन्ह लगाया, तुझे मृत्यु दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड।